श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा वचः वचन निशम्य सुनकर नंदस्य नंद महाराज का तथा इसके साथ ही अन्येषां अन्य ब्रजवासियों का इंद्राय इंद्र को मन्यु क्रोध जनयान उत्पन्न करते हुए उत्पन्न करने के लिए पितरम अपने पिता श्री नंद महाराज से प्राह बोले केशव ब्रह्मा और शिव के भी नियामक भगवान श्री कृष्ण। तो सवेरे चर्चा चल रही थी, भगवान ने पूछा कि यज्ञ किसके लिए हो रहा है, इसका फल क्या है और इसमें कौन कौन सामग्रियां लगती हैं। श्री नंद बाबा उत्तर दिए। नंद महाराज और ब्रजवासियों की बातें सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान चाहते थे कि इंद्र का यज्ञ रोक करके गोवर्धन पूजा की जाए। तो यहां से श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की बात को उद्धृत कर रहे हैं। इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। क का अर्थ है ब्रह्मा, ये बात प्रसिद्ध है। इस का अर्थ है भगवान शिव, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। सब जगह जहां भी प्रसिद्ध शिवलिंग है तो उसमें ईश्वर लगा हुआ है, जैसे नर्मदेश्वर, नागेश्वर, बैंक और कहां कहां लगा हुआ है ईश्वर सब जगह, भूतेश्वर, गोपेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, उनको ईश कहते ही है, कंट्रोलर है इस संसार के, सबको नियमन में रखते हैं, प्रलय के मिनिस्टर हैं वे, प्रलय मंत्री हैं। तो इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। ईश शब्द है तो उसका भी अर्थ है ईश्वर। तो भगवान शिव को कहते हैं ईश और ब्रह्मा जी को क कहा जाता है। क क ख ग घ वो सबको चालू किए हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, इसीलिए उनको क कहते हैं। तो क और प्लस इस केश और व वयते व्यापनोती इति केशव। जो क को और इस को ब्रह्मा जी को और शिव को अपने वश में रखें, अपनी महिमा से उनके महिमा को दबा दें, जो दोनों से बढ़ करके हैं, जो दोनों को नियुक्त करते हैं, एक को सृष्टि करने के लिए और एक को पालन के लिए, और अपने आप एक को सृष्टि करने के लिए और एक को प्रलय करने के लिए, इसीलिए भगवान को केशव कहा जाता है। तो जब ये ब्रह्मा और शिव के नियामक है तो इंद्र किस गली के हैं, क्या इनकी औकात है? इसके द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। जो ब्रह्मा और शिव के ईश्वर हैं तो फिर अन्य जीवों के लिए क्या कहना है? ऐसे श्री भगवान चाहते थे इंद्र का गर्व दूर करना। इंद्र गर्व के पर्वत पर चढ़े हुए थे, वहां से उनको उतारना चाहते थे। कोप जनन द्वारा गर्व पर्वतात
इंद्रम अवतारितुम इति अर्थ। अगर इंद्र का गर्भ एक महान सुमेरु पर्वत की तरह है तो उस पर चढ़े हुए इंद्र को उतारना चाहते थे, नम्र बनाना चाहते थे। वास्तव में इंद्र को बहुत गर्व हो गया था। उनके गर्व की कथा आप आगे सुनेंगे, क्या क्या गर्व है। बोलने में कहते हैं कि स्मर्त कृष्ण का, मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेकर के इन गोपों ने मेरी अवहेलना किया है, तुम लोग जाओ ब्रज में और पूरा नाश कर दो इनका। लोग धन के अभिमान में हैं, ये हैं वो हैं, दो चार लाख गौए क्या हैं, इसी बल पर ये लोग हम उस देवता का अपमान कर रहे। तो ये भगवान को मनुष्य कह रहे थे, जिनके लिए भगवान अवतार लिए असुरों का वध करने के लिए, इंद्र की रक्षा के लिए, वही इंद्र इस बात को भूल गए कि साक्षात भगवान है। भगवान की माया बहुत प्रबल है, उनकी शक्ति प्रबल है, कब किसकी चेतना कैसी हो जाएगी इसको कहना बहुत कठिन है। इंद्र जैसे महान वैष्णव, भगवान के परम भक्त, जिनके लिए अवतार लेते हैं भगवान, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृळयन्ति जुगे जुगे, इंद्र के शत्रुओं के द्वारा त्रस्त इस पृथ्वी को सुखी करने के लिए जो अवतार लेते हैं, वैसे इंद्र भूल गए, जिनके लिए भगवान भीख तक मांगे हैं, जिनके लिए वामन देव बन गए, ब्राह्मण बन गए और इनके लिए भीख मांगे, भीख में सारा तीनों लोक ले करके दे दिए इंद्र को, और ऐसे इंद्र इतना भूल सकते हैं? या तो भगवान चाहते होंगे कि ये हो जाए, भूल जाए हमको, ये जो भी हो भगवान की माया शक्ति की चपेट में है, वे भूल गए। और भगवान के भक्तों से, खास भगवान के पिता से और उनके संबंधियों से पूजा ले रहे थे, और ये हर एक साल पूजा होती थी। एक साल भगवान ने केवल बंद करा दिया, इंद्र के बारे में कुछ बोले नहीं, बस पूजा गोवर्धन जी की करो, इसी पर पूरे ब्रज का नाश करने के लिए तुल गए। तो इनको बहुत बड़ा मद हो गया था, अभिमान हो गया था। उस अभिमान को खंडित करने के लिए, भंग करने के लिए श्री भगवान बोले इस प्रकार से, इंद्राय मन्युम जनन पितरम प्राह केशव। ब्रह्मा शिव के नियामक श्री भगवान इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए निम्नलिखित बातें बोले। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोल रहे हैं, समस्त छह ऐश्वर्यों से जो युक्त हैं वे बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, तो प्रथम भगवान कर्मवाद के द्वारा देवताओं का निराकरण कर रहे हैं। कर्म प्रधान है, इसमें देवता की क्या जरूरत। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं इस श्लोक के उपक्रम में, एवं कर्मणा जायते जंतु पर एषाम मत पित्रादि रूप नित्य परिकराणाम पूजा ग्रहणे को नाम इंद्र इति तन्मद हरणम यद्यपि मनसि वर्तते तथापि नरलीला पालनाय तद अनुद्घाट्य कर्मवादस्य सर्वत्र अति प्रसिद्धस्य तन्मताश्रयणैव प्रथमं पितृक्तं परिहरति कर्मणा इति। भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता या मेरे परिकर ब्रजवासियों से ये पूजा ले रहा है इंद्र, ये कौन है, ये क्यों पूजा ले रहा है। भगवान इस तरह से उनका गर्व दूर करना चाहते थे, परंतु इसको उन्होंने उद्घाटित नहीं किया। नर लीला के अनुसार वे कर्मवाद का आश्रय लेकर के अपने पिता की मुक्ति का खंडन कर रहे हैं। नंद बाबा जो कुछ कह रहे थे उसको भगवान खंडित किए। ऐसा नहीं कहे कि आप ठीक नहीं बोलते हैं, तर्क किए। तर्क करते हुए कहते हैं,